कोई चाहता है कि उसके पास सुंदर, सॉफ्ट, लंबे, घने और काले बाल ये रहें। और लंबे, काले, घने बाल किसे अच्छे नहीं लगते, हर कोई इसकी चाह करता है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हेयर की देखभाल करना है। तो देखभाल करने के साथ साथ आपको अपने डाइट प्लान पे भी ध्यान देना होगा कि आप क्या खा रही हैं, क्या नहीं खा रही हैं, क्योंकि खाने का भी अहम भूमिका होता है हमारे स्किन और हमारे हेयर के लिए। तो चलिए कंटिन्यू मेरे वीडियो पर बने रहिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जब जागो तभी सवेरा। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं बहुत ही अच्छा हेयर टिप्स, जो आपके हेयर अगर बहुत ज़्यादा डल हो गए, क्योंकि समर में हमारे हेयर को बहुत सारे प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है और अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, इतने सारे ऑप्शन है। घर में बैठे आप अपने स्किन के, आप अपने हेयर के, आप अपने बॉडी के बहुत ही अच्छी तरह केयर कर सकती हैं, क्योंकि अगले 20 डेज तक मेरे ख्याल से कहीं जाना नहीं है। तो यही एक मौका है जो आप अच्छी तरह से देखभाल कर सकती हैं अपने हेयर के, अपने फेस के। तो आज की जो रेमेडीज है वो आपके हेयर को बनाएगा बहुत ही सुंदर, स्मूथ और शाइनी। जैसा कि अगर आपका हेयर बहुत ज़्यादा डल है तो ये पैक अगर आप लगाती हैं, अगर बहुत ज़्यादा डल है तो वीक में 2 बार इसको लगाइएगा, जो मैं आज पैक आपको बताऊंगी। आप देखेंगे कि आपके वो झाड़ू जैसे बाल बहुत सुंदर सॉफ्ट होंगे, आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि वो आपके ही बाल हैं। तो ये रेमेडीज बहुत ही अच्छी है। तो चलिए आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि आपके झाड़ू जैसे बाल को बहुत सुंदर शाइनी बनाने के लिए मैं क्या लेके आई हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये छोटी सी जो घंटी है, इसको तो टन-टन के बिना वीडियो जो है नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। तो वीडियो को टन-टन करना है, ऑल का जो बटन है उसको क्लिक कर देना है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, थोड़ी सी भी यूजफुल लगे, तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। तो चलिए देखते हैं कि आज जो, और सबसे मेन बात ये है कि जितनी मैं रेमेडीज बताऊंगी वो आपके घर में इजीली मिल जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन के कारण स्टॉक भी लोग बहुत सारे रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको घर बैठे मिल जाएगी और आप इसको इजी तरीके से यूज़ कर सकती हैं। जो पार्लर के आपको स्पा से बहुत ज़्यादा ही ये अच्छा है और बहुत ज़्यादा रिजल्ट देगा आपके बालों पे, गुड रिजल्ट देगा। जो रेमेडीज है वो है इस प्रकार, ये है बनाना, यानी बिल्कुल पका हुआ बनाना है ये। और जो बिल्कुल पक जाता है, जैसे आप देखे होंगे कि वो एकदम पकने के बाद उसके छिलके पे जो मल्टी कलर के ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, उस टाइप के बनानाज आपको लेने हैं। तो यहाँ मैंने एक बनाना लिया है सिर्फ, क्योंकि इसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिक्स करनी है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपके हेयर हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा लॉन्ग है तो आप 2 बनाना यूज़ कर सकती हैं। यहाँ मैंने लिया है फ्रेश एलोवेरा जेल, जिसका कि मैंने जूस निकाल लिया है, ये देखिए। और उसके बाद मैंने लिया है कर्ड, यहाँ पे 2 टीस्पून लेना है। और उसके बाद लेना है आपको हनी, आप किसी भी ब्रांड का ले सकती हैं। और जो हमारे बालों को हमेशा रिपेयर करता है वो है कोकोनट ऑयल, इसके बिना तो हमारे हेयर बिल्कुल अनकम्प्लीट हैं, कोई भी जो हमारे मास्क हैं, पैक हैं, तो ये कोकोनट ऑयल है। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप इसमें ऑलिव ऑयल या बादाम का तेल कुछ भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन अगर कोकोनट है तो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए इसको आप बनाते कैसे हैं। सबसे पहले इसमें मैं ऐड करूंगी कर्ड की क्वांटिटी इससे ज़्यादा नहीं लेनी है, आप बड़े स्पून से 1 स्पून भी ले सकते हैं या छोटे स्पून से भी ले सकते हैं। तो यहाँ बिल्कुल थिक कर्ड आपको लेनी है, आप देख सकते हैं कर्ड बहुत थिक है। और इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें जो लम्ब्स जैसे रहते हैं वो क्लीन होके और आपके हेयर में अच्छी तरह लग जाए। ये देखिए इस तरह इसको करनी है मैंने। अब इसमें आपको ये जो हमारा बनाना का पैक है वो इसमें डालना है। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा बनाना पैक बचा के रखूँगी, क्योंकि इससे मैं अपने फेस में लगाऊंगी, बाकी मैंने इसमें सारे डाल दिए हैं। तो इस तरह इसमें बनाना पैक भी मैंने डाल लिए हैं। ये जो एलोवेरा जेल है ये हम पूरा इसमें ऐड कर देंगे इस तरह। उसके बाद इसमें जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है वो है हनी। हनी को इसमें हम 2 स्पून ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने डाबर का हनी लिया है, क्योंकि पतंजलि की हनी अभी मिल नहीं रही है मुझे, तो वैसे मैं पतंजलि के ही हनी यूज़ करती हूँ, बट यहाँ पे मैंने डाबर के हनी यूज़ किए हैं। उसके बाद इसमें हम लेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल यहाँ पे आप 4 स्पून के लगभग ले सकती हैं।
अब इसको क्या करना है आपको, अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि अपने हेयर में कोई भी पैक, मास्क, ऑयल कुछ भी अप्लाई करने से पहले आपको अपने हेयर को क्लीन करना है। वैसे मेरा हेयर बहुत ज़्यादा रफ तो नहीं लग रहा, लेकिन कुछ रफ हो गया था क्योंकि घर में इतने सारे काम हो जा रहे हैं कि हेयर पे मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो अभी आप देखना कि बहुत ज़्यादा डल तो नहीं है, फिर भी ये इस पर आप लगाएंगी तो आपके जो हेयर है बहुत सुंदर और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको लेयर बाई लेयर रूट से लेंथ तक इसको लगाना है। इस तरह आप हैंड से लेंगे, आप ब्रश से भी ले सकती हैं। इस तरह लेयर बाय लेयर लगाने से क्या होता है कि आपके हेयर में ये अच्छी तरह लग जाता है, इसलिए मैं हमेशा लेयर बाय लेयर ही लगाती हूँ। इस तरह अपने हेयर के छोटे छोटे पार्ट पे कि आप अच्छी तरह लगाएंगी तो ये आपके हेयर में रूट से लेंथ तक अच्छी तरह लग जाएगा। ये देखिए इसमें जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो हमारे बालों के लिए वरदान है। जैसा कि इसमें मैंने यूज़ किया है एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल में मौजूद एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल गुण डैंड्रफ को कम करने में हेल्प करते हैं। ये हमारे बालों को ग्रोथ में यानी बढ़ने में मदद करते हैं, साथ ही आपके हेयर में अगर डैंड्रफ है तो उससे ये छुटकारा दिलाते हैं, बालों से चिपचिपाहट दूर करके बालों को सुंदर और सॉफ्ट बनाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है हनी। हनी अपने बालों में एक प्राकृतिक कंडीशनर के रूप में माना जाता है, इसे लगाने से आपके बाल सुंदर और सॉफ्ट बनते हैं। साथ ही हनी आपके बालों में मॉइस्चराइजर जो है उसको बनाए रखता है, साथ ही आपके बालों को सुंदर और सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद इसमें मैंने लिया है केला। केला में मौजूद फॉलिक एसिड आपके बालों में चमक देता है, साथ ही आपके बालों को सुंदर और सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है, आपके झाड़ू जैसे बालों को भी सुंदर बनाने में हेल्प करता है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही यूज़फुल है। दही में एंटी फंगल गुड़ होते हैं जो आपके बालों से डैंड्रफ को रिमूव करके आपके बालों में एक नई चमक प्रदान करते हैं, और नारियल का तेल आपके बालों के ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये देखिए मैंने बालों में अच्छी तरह इसको अप्लाई कर लिया है, रूट से लेंथ तक आप देख सकती हैं सारे बालों में अच्छी तरह अप्लाई हो गया। अब इसका एक बन हम बना लेंगे, और बन बनाने के बाद इसको आप जितना देर तक अपने हेयर पे रख सकती हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, तो जितना देर आप अपने बालों पे रखेंगी इसका रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा आपके बालों पे। और ये अब आप पूछेंगे कि इतना देर बालों पे रखने से आप बहुत जगह देखे होंगे कि नुकसान पहुँचता है ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप इसे अपने हेयर पे जितना देर रखेंगे, बस बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए। जब आपके हेयर पे ये लगे कि ये जितने भी थोड़े थोड़े से ड्राई हो रहे हैं तो आप कम से कम इसको अपने हेयर पे चाहती हैं गुड रिजल्ट पाना, तो 1 घंटे रखिए, और आपके पास टाइम है तो आप 2 घंटे भी रख सकती हैं। उसके बाद आप इसको नॉर्मल शैम्पू से जिसे कि आप वॉश करती हैं उससे अपने बालों को अच्छी तरह धो लीजिए, उसके बाद जो बालों में रिजल्ट आएगा ना वो आप खुद ही देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो इसी तरह नए यूनिक और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लगे आपसे फिर मिलूंगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर। आप देख सकती हैं बाल मैंने वॉश कर लिए हैं, कितने सुंदर कितने शाइनी हेयर लग रहे हैं, और इसमें चमक भी कितनी आ गई है, और कितना सॉफ्ट सिल्की लग रहा है, जो कि अगर हम पार्लर जाते हैं बहुत पैसे खर्च करते हैं तो भी हमारा हेयर इतना सुंदर नहीं हो पाता। तो ये आपका अगर ये पैक अगर आप यूज़ करती हैं सप्ताह में 2 बार तो आपके जो झाड़ू जैसे बाल हैं वो सुंदर और सॉफ्ट हो जाएंगे। आपके बाल बहुत ज़्यादा बेकार हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये आपके बालों के लिए किसी भी तरह से हार्मफुल